वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली अभी पूजा स्टार्ट होने वाला है एंड टुडे इज चतुर्थी एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द पंडाल्स नियर बाई। सो मैंने कुछ फेमस पंडाल्स है कोलकाता में, उसमें से 5-6 मैंने ऑलरेडी देख लिया है, तो उसी का वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो दैट आप लोग भी आप लोगों के चॉइस के अकॉर्डिंग ये सब पंडाल्स एक्सप्लोर कर पाए। सो फर्स्ट मैंने देखा था नागतला उदयन शंभो, दैट इज द मोस्ट फेमस पार्थ चटर्जी पूछो। नेक्स्ट हम लोग गए थे तालतला, दैट इज़ जोधपुर पार्क के नज़दीक ही है। उसके बाद हम लोग जोधपुर पार्क, फिर 95 पल्ली, देन सेलिमपुर एंड लास्ट हम लोगों ने बाबू बागान देखा। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द वीडियो आई वॉन्ट टू विश एवरी वन ऑफ यू गाइज अ वेरी हैप्पी पूजा। आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए। लास्ट 2 साल से दुर्गा पूजा उतना अच्छे से हम लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू कोविड एंड द सिचुएशन देन, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा छूट मिल चुका है हम लोगों को, बट वी नीड टू बी सेफ एंड वी ऑल्सो नीड टू इन्जॉय पूजा दिस ईयर। सो आई वॉन्ट टू विश एवरी वन ऑफ यू गाइज अ वेरी हैप्पी पूजा एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है नागतला उदयन शंभो, जो कि पार्थो चटर्जी के घर के एकदम पास ही है। इस बार का जो थीम है वो है तात वीविंग का थीम, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बट अगर मैं पिछले सालों के अकॉर्डिंग देखूं, उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है इस बार का जो क्रिएटिविटी है वो उतना ज़्यादा नहीं है, एंड जो इस बार का थीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को क्या लगता है। हम लोग आ गए हैं तालतला, जो कि EDF के एकदम ऑपोजिट में ही है, एंड द थीम हियर इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रेस एंड द मीडिया। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे देख के यही लगा। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये थीम क्या है। ये पंडाल बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत हाई फाई कुछ नहीं था, इट वॉज़ वेरी सिंपल बट येट वेरी ब्यूटिफुल। स्पेशली जो भगवान का मूर्ति था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं जोधपुर पार्क। जोधपुर पार्क का भी थीम काफ़ी सिंपल है, बट द आइडल वॉज रियली वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट अभी हम लोग आ गए हैं 95 पल्ली में, एंड आप लोगों को ये भीड़ देख के पता चल ही गया होगा कि ये जो पंडाल है ये बहुत ही बढ़िया बना था। मुझे पर्सनली तो समझ में नहीं आया कि इसका थीम या फिर इसका कंसेप्ट क्या है, बट दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। डेफिनेटली जो मूर्ति था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बट एज अ होल ये पंडाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा। इनफैक्ट जो आज मैंने जितना भी पंडाल देखा है उसमें से बेस्ट मुझे ये 95 पल्ली दिखा। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग ये पंडाल ज़रूर विज़िट करना, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट 95 पल्ली से निकल के हम लोग स्ट्रेट आ गए थे सेलिमपुर में, एंड सेलिमपुर का जो थीम था, यहाँ पे जो पूरा पंडाल है वो बना हुआ था क्ले से, एंड क्ले से ही वेरियस डिज़ाइंस बना हुआ था। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस
पंडाल इज़ जो मूर्ति के सामने ऊपर सीलिंग में जो डिज़ाइन था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, एंड द वे इट वाज रोटेटिंग वाज रियली वेरी यूनिक एंड अट्रैक्टिव. तो ये पार्ट मुझे बेस्ट लगा इस पंडाल का. सो राइट नाउ आई एम हियर एट बाबू बागान, एंड बाबू बागान का जो कंसेप्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉइन्स डिस्प्ले किया हुआ था, एंड ये पूरा एक कॉइन के थीम पे ही पंडाल बना हुआ था. इवन द मूर्ति वो भी एक कॉइन के ऊपर ही था, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था वो चीज़. एंड यहाँ पे सारे जो एंशियंट पीरियड से कॉइन्स बनते आए हैं, चलते आए हैं, वही सब कॉइन्स को डिस्प्ले किया गया है. मोरओवर पंडाल के अंदर जो साइड में डिज़ाइंस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी के जो नोट्स है उससे भी डिज़ाइंस बना हुआ था. तो मुझे लगता है वो हमारा करेंसी है, करेंसी का जो इवोल्यूशन है वही इस पंडाल के थ्रू दिखाया गया है.